स्कूली बच्चों के मापियां नूं वड्डी राहत दिंदिया पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि ऑनलाइन सिक्ख्या मुहैया कर रहे स्कूलों नूं लॉकडाउन समय दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लैण की इजाजत होगी अते ओह विद्यार्थियों तो दाखला फीस वर्दी या किसी भी तरीके नाल होर कोई खर्चा नहीं लैणगे। उन्हां कहा कि स्कूल प्रबंधकों नूं इस देश व्यापी संकट के मद्देनज़र अकादमिक सैशन दौरान फीस या किसी होर खर्चों में किसी भी तरह के वाधे तो बचना चाहिए है। सिंगला ने कहा कि देश व्यापी लॉकडाउन दौरान वित्तीय गतिविधियां बेहद घट गई हैं, इसलिए विद्यार्थियों के मापियां नूं राहत पहुँचाने की बेहद लोड़ है। उन्हां जोर दे के आख्या कि असी आदेश जारी करके स्कूलों लई इह लाजमी किया है कि वह लॉकडाउन समय दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लै सकणगे। सरकार दे हुकमां विच स्पष्ट है कि जिहड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासां ला रहे हन सिर्फ उही विद्यार्थियों तो ट्यूशन फीस लैण दे हकदार होणगे। जिहड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासां नहीं ला रहे वह कोई फीस या फंड नहीं लै सकणगे। उन्हां कहा कि साढ़े लई विद्यार्थियों के हित सब तो उपर हन अते इन्हां नवें दिशा निर्देशों अनुसार प्राइवेट स्कूलों नूं ट्यूशन फीस लैण की आग्या दे के तवाजन बिठाउण की कोशिश की गई है ताकि वह अपने महीनावार खर्चा चला सकन अते अपने स्टाफ नूं समय सिर तनखाह दे सकन। सिंगला ने स्पष्ट किया कि यह हुक्म दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों तहत जारी किया गया है जिन्हों का एको एक उद्देश विद्यार्थियों ते उन्होंने मापिया नूं राहत पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला सिक्ख्या अफसर यह यकीनी बनाएंगे कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस तो इलावा कोई ट्रांसपोर्ट फीस मैस खर्चा इमारत खर्चा या कोई वाधू खर्चा ना लवे। उन्होंने ये भी आदेश दिता कि जे कोई विद्यार्थी ट्यूशन फीस समय सिर जमा नहीं करवाता जा किसी कारण देरी होंदी है तो कोई भी स्कूल उस विद्यार्थी नूं स्कूलों नहीं कढ़ेगा। उन्हां कहा कि यह महामारी कारण ज़्यादातर मापियां दी उपजीविका उत्ते मारू असर पिया है अते स्कूल प्रबंधकों नूं इस मुश्किल समय विच उन्हां नाल खड़ना चाहिदा है। उन्हां कहा कि असी यह भी बदल दिता है कि मापे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस तिमाही की थां महीनावार भरवा सकते हैं ता कि मापियां उत्ते कोई दम बोझ ना पवे। स्कूलों के अध्यापकों ते मुलाजमान के हितों की राखी करदिया सिक्ख्या मंत्री ने यह भी आदेश दिता कि स्कूल किसी भी हालात विच अपने अध्यापकों ते मुलाजमान दी तनखाह ना तो रोक सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इस तो इलावा स्कूल प्रबंधकों नूं यह भी हिदायत की गई है कि वह लॉकडाउन ते वित्तीय गतिविधि घट होण दे ना उत्ते अपने मुलाजमान नूं ना कढ़न। उन्हां कहा कि जिहड़े स्कूल प्रबंधक अपने अध्यापकों ते मुलाजमान दीआं तनखाहां रोकण जां घटाउणगे उन्हां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्ख्या विभाग पहलां इह स्थिति उत्ते नज़र रख रहा है अते निर्धारित मापदंडां दी उलंघना करन वाले स्कूलों उत्ते कार्रवाई लई एक्शन कमेटी बना दिती गई है। सिंगला ने कहा कि जिला सिक्ख्या अफसर यह यकीनी बनाएंगे उन्हां अधीन आने वाले सारे प्राइवेट स्कूल सरकारी हुक्मां अते सिक्ख्या विभाग के विस्तारित निर्देशों की पालना यकीनी बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। वधेरे जानकारी लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करना ना भुलो।